Assalamu alaikum aspirants. In this video we will discuss British history past paper 2022 aur iske hum tamam questions ko one by one discuss karenge. Hum first question dekhte hain. The domestic of Gladstone was the climax of the liberalism during the 19th century. Discuss and analyze. Gladstone ki gharelu policies jo thi wo 19th century ke liberalism ki miraj thi. So the domestic policies of the William Gladstone the British a prime minister in the 19th century is considered a champion of liberalism. His domestic policies embodied liberal ideals of the reforms, individual rights and the social improvement, marking a high point for liberalism in the United Kingdom. Gladstone ki jo gharelu policies thi 19th century ke liberalism ki viraj thi to 19th century mein Britannia ke wazir azam the William Gladstone aur wo liberalism ke ek azim hami bhi samjhe jate hain. उनकी जो घरेलू पॉलिसियां थी वो लिबरल इक्तदार की यानी अकासी करती थी, जिनका मकसद क्या था कि इस्लाहात लाना, इंफरादी हकूक और समाजी बेहतरी को प्रमोट करना, जिसने बरतानिया में लिबरलिज्म के अरूज को भी जाहिर किया. सो इंट्रोडक्शन टू गोल्डस्टोन एंड लिबरलिज्म. तो ग्लैडस्टोन 1688 से 1894 तक चार मरतबा वजीर आजम के तौर पर उन्होंने खिदमात सारे अंजाम दी और वो लिबरल पार्टी के रहनुमा थे. सो बरतानवी माशरे में इस्लाहात लाने के लिए और अदम मसावात को कम करने के ऊपर वो यकीन रखते थे, ताकि आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके. और इसके अलावा आज़ाद तिजारत, अनफरादी हकूक और इसके अलावा जो मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस थी, यानी हुकूमत की कम से कम मदाखलत पर वो जोर देते थे. और तो उस वक्त की ये लिबरल इकदार का ये मरकज था. देन की लिबरल रिफॉर्म्स अंडर ग्लैडस्टोन. फिर ग्लैडस्टोन के तहत अहम लिबरल इस्लाहात कौन सी लाई गई. एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लाई गई. 1870 का जो एजुकेशन एक्ट है तो वो एक कौमी तालीमी निज़ाम कायम करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और जिससे तमाम बच्चों को बुनियादी तालीम तक रसाई हासिल हो सकी. सो दिस वॉज सिग्निफिकेंट इन प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग क्लास बेस्ड एजुकेशनल डिसपार्टीज. ठीक है. इसके अलावा उनके जो उन्होंने अपने दौर में रिफॉर्म्स लाई वो सिविल सर्विस रिफॉर्म थी, यानी उन्होंने समाजी इस्लाहात के हवाले से रिफॉर्म्स लाए इस्लाही तबकाती बुनियाद के ऊपर. और सिविल सर्विस की इस्लाहात थी, यानी सिविल सर्विस में उन्होंने इस्लाहात की जिसके तहत जो सरकारी जॉब्स थी उनके लिए मुकाबले के इम्तहान का आगाज़ किया गया था. और इसके अलावा जो बासलाहित अफराद थे उनको हुकूमत में शामिल होने के लिए ये इकदाम किया गया था, ताकि उन्हें हुकूमत में वो शामिल हो सके और उनको इस इम्तहान के जरिए मौका दिया गया था. इसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी उनके दौर में की गई थी. 1872 का जो बैलेट एक्ट था वो खुफिया वोटिंग का निज़ाम लाया, फिर जिससे वोटर्स को यानी दबाव से बचाया गया और उनके फैसलों में आज़ादी पैदा हुई थी. तो इससे फिर जो जमहूरी असूल थे उनको तकवीत मिली, वो ऐसे असूल मजबूत हुए और आम लोगों को ज़्यादा ताकत मिली. देन जुडिशल एंड लीगल रिफॉर्म्स. इसके अलावा उनके दौर में अदालती और कानूनी असलाहत भी की गई थी. ग्लैडस्टोन आल्सो रिफॉर्म द जुडिशल सिस्टम टू मेक जस्टिस मोर एक्सेसिबल एंड फेयर. सो दीज रिफॉर्म्स मेड द कोर्ट्स लेस बायस्ड एंड मोर एफिशिएंट एंड इनहेंसिंग पब्लिक ट्रस्ट इन द लीगल सिस्टम. तो ग्लैडस्टोन ने अदालती निज़ाम में भी असलाहत की, ताकि इंसाफ ज़्यादा काबिल रसाई हो और मुनसिफाना हो सके. इसके अलावा इन असलाहत ने अदालतों को यानी कि कम जानबदार बनाया और ज़्यादा मुसर बनाया, जिससे जो कानूनी निज़ाम था उसके ऊपर अवामी एतमाद बढ़ा. देन इकोनॉमिक लिबरलिज्म, फ्री ट्रेड एंड लोअर टैक्सेस. ग्लैडस्टोन आज़ाद मंडी की मईशत के ऊपर यकीन रखते थे, जहाँ मुकाबला मुआशरे के लिए फ़ायदा मंद हो. और उन्होंने टैक्सों में कमी की और इसके अलावा महसूलात को भी हटाया, ताकि चीज़ें जो हैं वो सस्ती हों और मईशत में बेहतरी आए. रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड चर्च स्टेट रिलेशंस. तो मजहबी असलाहत भी उनके दौर में लाई गई. ग्लैडस्टोन ने अवामी ज़िंदगी में जो है वो एंग्लिकन चर्च के असर को कम करने की कोशिश की थी, जो लिबरल अकायद में मजहबी आज़ादी से आमांग था. सो 1689 के आयरिश चर्च एक्ट के तहत आयरलैंड में एंग्लिकन चर्च को तहलील किया गया, जिसका मकसद क्या था कि मजहबी जो फ़र्क है उसको कम किया जाए. ठीक है. अब देखते हैं आयरिश क्वेश्चन एंड होम रूल. ग्लैडस्टोन कमिटमेंट टू आयरिश सेल्फ गवर्नेंस वाज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ हिज लिबरल पॉलिसीज. आयरलैंड के खुद मुख्तारी के हक में ग्लैडस्टोन की हमायत उनकी लिबरल पॉलिसियों का एक अहम हिस्सा थी. उनका होम रूल बिल आयरलैंड को ज़्यादा खुद मुख्तारी देने के लिए था, जो खुद इरादियत के हक के ऊपर उनके यकीन को जाहिर करता है. तो इसके अलावा
ये इब्तदा में कामयाब ना हो सका था, लेकिन आयरिश हकूक के लिए उनकी हमायत ने लिबरल असूलों से उनकी वाबस्तगी को जाहिर किया। सो ग्लैडस्टोन के लिबरलिज्म की मिराज को हमने डिस्कस किया कि ग्लैडस्टोन की घरेलू पॉलिसियां बरतानिया में किस तरह से लिबरलिज्म का एक संग मील थी, एक माइल स्टोन थी। उनकी अनफरादी हकूक, महदूद हुकूमत और समाजी असलाहत पर जोर ने जदीद लिबरल जमहूरियत की राह हमवार की। सो उनकी तमाम असलाहत को उस वक्त मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने मुस्तकबिल की समाजी और सियासी असलाहत की बुनियाद रखी और उन्हें बरतानिया की लिबरल तारीख में एक अहम शख्सियत बना दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्लोरियस सक्सेस इन अंटिल 1761 एंड देन फेलियर, डू यू एग्री विद दिस एस्टिमेट ऑफ द करियर ऑफ द चार्टहम? 1661 तक एक शानदार कामयाबी और फिर नाकामी, क्या आप चैटम की जिंदगी के बारे में इस तखमीने से इतफाक करते हैं? सो विलियम फिंच एंड द एल्डर ऑफन रेफर टू द लॉर्ड चैटम वाज वन ऑफ द ब्रिटेन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेट्समैन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। हिज करियर वाज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, पार्टिकुलरली इन द फॉरेन पॉलिसी, बट इवेंचुअली एंडेड इन डिक्लाइन आफ्टर 1761। So this analysis explores the glorious success of his early years and the challenges that lead to his eventual failure. So William जो यानी William Pitt थे, जो उनकी हम कामयाबी और जवाल को डिस्कस करते हैं, जो आमतौर पर लॉर्ड चैटम के नाम से जाने जाते हैं, तो 18th सेंचुरी में बरतानिया के सबसे ज़्यादा बाअसर सियासतदानों में से ये जाने जाते थे और उनका कैरियर खासतौर पर खाजा पॉलिसी में अहम कामयाबियों से भरा हुआ था। लेकिन 1761 में 1661 के बाद जो उनका यानी दौर था वो जवाल की तरफ जाना शुरू हुआ था। सो हम इनके इब्तदाई जो ग्लोरियस सक्सेस है और इन चैलेंजेस के ऊपर गौर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू विलियम पिट्स द एल्डर, विलियम पिट का हम तारुफ देखते हैं। तो विलियम पिट ने बरतानिया की सबसे अहम सियासतदान के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। खासतौर पर उन्होंने 7 साल जंग यानी 1756-1763 के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर उनको जाना जाता है और उन्हें बरतानवी सल्तनत को मजबूत करने और समंदर पर उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का क्रेडिट भी दिया जाता है। देन ग्लोरियस सक्सेस 1757-1661 विक्ट्रीज इन द सेवन ईयर्स वॉर, बरतानवी सल्तनत की शानदार कामयाबी हुई 7 साल जंग में फतूहत। तो पिट ने फ्रांस के खिलाफ बरतानिया को बड़ी फतूहत दिलाई थी और जिनमें शुमाली अमेरिका था और इंडिया था, इसके अलावा कैरिबियन में इलाकों के ऊपर कब्जे किए गए थे। ताकत के तौर पर ये उनकी क्यादत के अंदर एक बरतानिया यानी कि डोमिनेंट पावर के तौर पर उभरा था, जिसकी मजबूत बहरी और एक वसी एक बड़ी नौबादाती उनका असर रसूख था। देन एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बरतानवी सल्तनत की तस्वीर, तो विलियम पिट की हुकूमत जो हिकमत अमलियाँ थी, उन्होंने कैनेडा और फ्रांस से भारत में अहम तजारती मराकज जैसे वसी नए इलाके हासिल कर लिए थे। सो दिस कंक्वेस्ट ब्रॉट वेल्थ एंड इंटरनेशनल प्रेस्टीज टू ब्रिटेन, और इन फतूहत ने बरतानिया को दौलत और बिल्कुल वकार दिया था। पॉपुलैरिटी एंड लीडरशिप, विलियम पिट को बरतानिया के मफादात के लिए उनकी गैर मुतजलजल वाबस्तगी की वजह से सराहा गया है और उन्हें अवाम का यानी आदमी समझा जाता है, अ मैन ऑफ द पीपल उनको समझा जाता है। His popularity rested on his straightforward approach and his commitment to Britain power and prosperity. ठीक है, यानी बरतानिया की ताकत और खुशहाली के लिए उनकी जो लगन थी, उस लगन ने उन्हें बहुत मकबूल बना दिया बरतानिया की आवाम के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं उनके डिक्लाइन और चैलेंजेस के बारे में जो 1761 के बाद है। तो 7 साल जंग का इख्तिताम हो गया था 1761 में। सियासी इख्तलाफ की वजह से विलियम पिट ने इस्तीफा दिया और बरतानिया की बैन अक्वामी अमूर में हिकमत अमली को बदल दिया। तो फिर 1763 में पेरिस के माहदे ने जंग का खात्मा किया, लेकिन कुछ कामयाबियां ज़ाय हो गई थी या फिर कुछ कामयाबियां समझौते की नज़र हो गई थी, जिससे फिर विलियम पिट के कामयाब दौर का खात्मा हो गया था। देन पोलिटिकल आइसोलेशन एंड डिक्लाइन इन्फ्लुएंस, सियासी तनहाई और कमज़ोर होता हुआ इन्फ्लुएंस। तो विलियम पिट पार्लियामेंट में सियासी तौर पर वो यानी कि आइसोलेटेड थे और बाकी सियासतदानों ने उनके तरीकों के ऊपर तनकीद की थी। हुकूमत की जो अमरीकी नौआबादियात के ऊपर टैक्स आयद करने की पॉलिसी थी, उसकी मुखालफत ने भी उनकी जो पोजीशन थी उसको कमज़ोर कर दिया था। देन हेल्थ एंड फाइनल ईयर्स, फिर सेहत और उनके आखिरी अयाम को डिस्कस करते हैं। विलियम पिट की सेहत जो थी वो बुरी तरह बिगड़ गई थी, जिससे उनकी जो मौसर क्यादत थी, सलाहियत थी, वो मुतासर हुई थी।
So his last year was marked by political missteps and struggle to adapt to new political realities. उनके आखिरी साल जो थे वो सियासी गलतियों और नई सियासी जो हकीकतें थी उनके साथ एडजस्ट होने के जद्दोजहद से भरे हुए हैं. सो कामयाबी और उनका जवाल. विलियम पेट ने 1761 तक बरतानिया के लिए गैर मामूली कामयाबी हासिल की थी. उसे एक आलमी ताकत के तौर पर भी कायम किया और फिर 1761 के बाद सियासी तन्हाई, इसके अलावा हिकमत अमली के खिलाफात और सेहत के मसाइल ने उनके जवाल की ये वजह बने. सो व्हाइल हिज करियर अल्टीमेटली फेस्ड सेटबैक्स, हिज लेगेसी एज अ सक्सेसफुल लीडर ड्यूरिंग ब्रिटेन इंपीरियल एक्सपेंशन रिमेन सिग्निफिकेंट. तो उनकी करियर जो था वो बिलाखिर नाकामियों से तो दो चार हुआ, लेकिन बरतानिया की सल्तनत तौसी के दौरान उनकी कामयाब क्यादत की मीरास आज भी बहुत अहमियत रखती है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिस्कस द राइज ऑफ द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड इनोमरेट द अचीवमेंट ऑफ दिस पार्टी. बरतानिया में लेबर पार्टी के अरूज के ऊपर बात करें और इस पार्टी की कामयाबियों को गिनें. सो द राइज ऑफ द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड इट्स अचीवमेंट. लेबर पार्टी का आगाज बरतानिया में 20वीं सेंचुरी के आगाज में एक मेहनत कश तबके यानी वर्किंग क्लास तबके के सियासी आवाज के तौर पर हुआ था, ठीक है, और जिसने समाजी मसावात को, मजदूरों के हकूक को और इक्तसादी असलाहत को फरोग दिया. तो वक्त के साथ बरतानिया की दो बड़ी सियासी जमातों में से ये जमात एक बन गई थी, जिसके साथ कंजर्वेटिव पार्टी भी है. और ये जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लेबर पार्टी के अरूज और इसके काबिल जिक्र कामयाबियों को. देन ओरिजिंस एंड राइज ऑफ द लेबर पार्टी. लेबर पार्टी की इब्तदा और अरूज को डिस्कस करते हैं कि कैसे इस पार्टी की इब्तदा हुई और ये कैसे अपने अरूज तक पहुंची. तो 19th सेंचुरी के आखिर से 20th सेंचुरी के आगाज तक लेबर पार्टी 1900 में संत इनकलाब के जवाब में कायम की गई थी ताकि पार्लियामेंट में जो वर्किंग क्लास है उसके मफादात की नुमाइंदगी की जा सके. फिर इसका जो क्याम था वो मजदूर यूनियन, इसके अलावा सोशलिस्ट ग्रुप्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सियासी कारकुनों के जरिए किया गया था, जो कि तनख्वाहों, काम के हालात और समाजी बहबूद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे. देन ग्रोथ इन पॉपुलैरिटी. फिर उनकी मकबूलियत के अंदर इजाफा हुआ. पहले जंग अजीम के बाद लेबर पार्टी ने बेहतर समाजी खिदमत दी, बेरोजगारी की इमदाद और मुनसफाना तनख्वाहों के लिए सपोर्ट करके उन्होंने हमायत हासिल कर ली. फिर 1924 में लेबर पार्टी ने रेमसी मैकनोलेट की क्यादत में अपनी पहली अकलियत हुकूमत कायम की, जो बरतानवी मरकजी सियासत में उसकी शमूलियत का एक निशान थी, ठीक है. अब हम देखते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एंड मेजर पॉलिटिकल फोर्स. तो दूसरी जंग अजीम के बाद एक बड़ी सियासी क़ुव्वत क्या थी. 1945 में क्लेमेंट एटली की क्यादत में लेबर पार्टी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी, फतह हासिल की थी, जिससे एक बड़ी सियासी क़ुव्वत के तौर पर यह जमात उभरी थी. तो ये दौर बरतानिया में अहम समाजी असलाहत का आगाज साबित हुआ. देन की अचीवमेंट्स ऑफ द लेबर पार्टी. फिर लेबर पार्टी की अहम कामयाबियों को हम डिस्कस करेंगे. तो वेलफेयर स्टेट का क्याम वो अमल में लाए थे 1945 to 1951. वेलफेयर स्टेट का क्याम अमल में आया था लेबर के बाद जो जंग थी, जंग हुकूमत ने, यानी लेबर के बाद इस जंग हुकूमत ने वेलफेयर स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मकसद तमाम शहरियों को समाजी तहफ़ देना था और सेहत की देखभाल भी फराहम करना था. तो 1948 में नेशनल हेल्थ सर्विस का क्याम अमल में आया था, जिसने हारे को मुफ्त सेहत की देखभाल की फराहम की थी और ये लेबर का सबसे बड़ा एक वर्षा बन गया था. दूसरी कामयाबी थी उनकी नेशनलाइजेशन ऑफ द की इंडस्ट्रीज, यानी कलीदी संतों का क्याम. तो लेबर पार्टी ने कोयला, रेलवे और स्टील जैसी संतों को कौमी मलकियत में लिया, जिसका मकसद इक्तसादी इस्तेहकाम को बेहतर बनाना था और जॉब्स का तहफ़ भी देना था. तो इस अप्रोच का जो मकसद था वो ज़रूरी संतों को अवामी मलकियत में रखना था, ताकि मुनसफाना रसाई हो और इक्तसादी मसावत को भी यकीनी बनाया जा सके. एक्सपेंशन ऑफ द एजुकेशन एंड हाउसिंग. लेबर ने मुफ्त सानवी तालीम को इंट्रोड्यूस करवाया और यूनिवर्सिटियों तक रसाई को भी बढ़ाया, जिससे मजीद लोगों को तालीम हासिल करने में मदद मिली. हुकूमत ने यानी सस्ती रिहाइश फराहम करने के लिए कौंसल हाउसिंग के नाम से जाने जाने वाले घर भी बनाए, ताकि जो वर्किंग क्लास है तो वर्किंग क्लास के जो ख़ानदान हैं उनके लिए रिहायशी हालात को बेहतर बनाया जा सके. फिर सोशल रिफॉर्म जो की गई 1960 to 1970, ये भी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी. इस दौर में लेबर की हुकूमतों ने तरक्की पसंद समाजी पॉलिसियों का आगाज़ किया था, जैसे कि हम जिस जो परस्ती है उसको गैर कानूनी करार दिया गया. इसके अलावा लीगलाइजिंग अबॉर्शन, यानी असकात हमल को कानूनी हैसियत दी गई और ख़वातीन के हकूक को बेहतर बनाया गया.
तो ये असलाहत जो थी ये बरतानवी मुआशरे को जदीद बनाने में भी और इसके अलावा इंफरादी आज़ादियों को भी फ़रोग देने में काफ़ी मददगार साबित हुई। इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म भी उनकी कामयाबी है। लेबर पार्टी ने अक्सर मुनसफाना तनख्वाहों, मजदूरों के हकूक और इसके अलावा आमदनी के जो अदम मसावत है इसको हल करने के लिए उनके उन्होंने पॉलिसियों को सपोर्ट किया। ठीक है, सो रिसेंट लेबर गवर्नमेंट सच इज अंडर टोनी ब्लेयर इंट्रोड्यूस द नेशनल मिनिमम वेज एंड एक्सपेंडेड जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये असलाहत बरतानवी मुआशरे को जदीद बनाने में इंफरादी आज़ादियों को फ़रोग देने में मददगार साबित हुए थे और लेबर हुकूमत जैसे कि टोनी ब्लेयर के दौर में कौमी जो कम अज़ कम तनख्वाहें मुतारिक करवाई गई थी और मुलाजमत की तरबियत के प्रोग्रामों को भी बढ़ाया गया था। तो लेबर पार्टी का अरूज बरतानिया में समाजी इंसाफ और इक्तसादी असलाहत की तरफ एक तब्दीली की अलामत था और इसकी कामयाबियाँ खासतौर पर NHS, वेलफेयर स्टेट और तरक्की पसंद जो समाजी पॉलिसियाँ उन्होंने बरतानिया मुआशरे के ऊपर काफ़ी देर पर असर छोड़ा। तो लेबर पार्टी रिमेन्स अ सेंट्रल फोर्स इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग फॉर इक्वलिटी, फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। लेबर पार्टी आज भी बरतानवी सियासत में एक मरकजी क़ुव्वत के तौर पर मौजूद है जो मसावात, मुनसफाना मुलाजमत और अवामी खिदमत के लिए इसको सपोर्ट करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन इंग्लिश सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थॉट। फ्रांसीसी इनकलाब का बरतानवी मुआशरे और सियासी सोच पर असरअंदाज होने का अंदाज़ा लगाएं। फ्रांसीसी इनकलाब ने हमसाया बरतानिया के ऊपर गहरे असरात मुरतब किए थे। इसने कायमशुदा समाजी और सियासी असूलों को चैलेंज किया और नए ख्यालात को जन्म दिया। बरतानवी मुआशरे को मुतासर किया जिससे जमहूरियत, हकूक और हुक्मरानी के हवाले से जो डिस्कशन थी वो शुरू हो गई थी। तो हम इनके जो इंग्लिश पॉलिटिकल थाट के ऊपर इसके इम्पेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं। जमहूरी नज़रियात इसकी वजह से फैले, यानी फ्रांसीसी इनकलाब ने आज़ादी, मसावत और इसके अलावा जो यानी भाईचारे के ख्यालात हैं उसको मकबूल बनाया था और इसके अलावा जो बरतानवी असलाह पसंद थे वो जमहूरी तब्दीलियों की उन्होंने वकालत करना शुरू कर दी थी, जैसे कि वोट के यानी कि हक था और इसके अलावा तौसी और पार्लिमानी असलाहत ताकि एक नुमाइंदा हुकूमत हासिल की जा सके। राइज ऑफ द पोलिटिकल रेडिकलिज्म, इनकलाबी ख्याल से मुतासर होकर लंदन को जो है वो रिस्पॉन्डिंग सोसाइटी जैसे ग्रुपों के नए सियासी असलाहत और वर्किंग क्लास के नुमाइंदगी बढ़ाने का मुतालबा किया था। सो ये जो ग्रुप थे ये तमाम मर्दों के हकूक और एक ज़्यादा बेहतर, एक ज़्यादा बराबर मुआशरे की को सपोर्ट कर रहे थे जिससे बताने में इंतहा पसंद सियासी सोच को भी फ़रोग मिला। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड कंजर्वेटिव रिएक्शन, इनकलाब के खौफ की वजह से बरतानवी हुकूमत जिसकी क्यादत वज़ीर आज़म विलियम पिट कर रहे थे उन्होंने इंतहा पसंद ख्याल को दबा देने के लिए इकदाम किए थे। ठीक है, जैसे कि स्टेट्स मीटिंग एक्ट और इसके अलावा टेरिजन अपील प्रैक्टिस एक्ट। सो इसने बरतानवी सियासत में कंजर्वेशन की कदमत पसंदी थी इसमें इजाफा किया और हुकूमत ने स्टेबिलिटी और फ्रांसीसी तहरीक के असलाहत के खिलाफ एहतियात को भी फ़रोग दिया। अब हम इसका इंग्लिश सोसाइटी को पर असर देखते हैं, बरतानवी मुआशरे के ऊपर इसका असर क्या था। तो जो इनकलाब ने समाजी तबके और इंसाफ के ऊपर डिस्कशन को जन्म दिया जिसे कुछ बरतानवी मुफक्किरीन ने तबकाती अदम मसावात के ऊपर सवाल उठाए और इसके अलावा तो जो मेरे यानी कि वॉलस्टोन क्राफ्ट थे उन्होंने ख़वातीन के हकूक और समाजी मसावात की को सपोर्ट किया जो इनकलाबी ख्याल से मुतासर हुए। इसके अलावा ग्रोथ और रिफॉर्म मूवमेंट है, इस्लाही तहरीकों को आगाज़ हुआ, अरूज हुआ। फ्रांस से मुतासर होकर जो बरतानिया था उसमें मुख्तलिफ इस्लाही तहरीकें इमर्ज हुई थी जैसा कि मजदूर के हकूक और पॉवर्टी रिलीफ, गुरबत के खात्मे की कोशिशें की गई थी। इसके अलावा जो कारकुनान बच्चों की मजदूरी और ख़राब काम के हालात अवामी सियासत जैसे मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे थे और जिसने बाद के समाजी असलाहत की बुनियाद रखी। इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर एंड आर्ट, तो अदब और फन के ऊपर क्या असर आता, रोमानवी लिखारी हूँ जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ और इसके अलावा पर्सी यानी विलियम वर्ड्सवर्थ थे और पर्सी बुश शैली इनकलाब की मौजूद से मुतासर हुए थे जिन्होंने आज़ादी, कुदरत और अनफरादी हकूक के नज़रियात का इजहार किया था। तो फन और अदब जो था वो इनकलाबी नज़रियात की तलाश के लिए ज़राए बन गए जिसने बरतानवी सकाफत को गहराई से मुतासर किया। सो फ्रांसीसी इनकलाब का देर पा असर रहा, फ्रांसीसी इनकलाब ने बरतानवी मुआशरे और सियासी सोच के ऊपर बड़ा असर डाला। जमहूरी नज़रियात,
समाजी असलाहत और मसावात के ऊपर डिस्कशन की हौसला अफजाई की और इसके अलावा बरतानिया के जो हुकूमत थी उसने इब्तदाई तौर पर इन तब्दीलियों की मजाहमत की, लेकिन इनकलाब के नज़रियात जो थे वो ऐसा ऐसा उन तहरीकात को मुतासर करते रहे जो बरतानिया में बाद के असलाहत जिसके अंदर यानी शामिल थे वोटिंग के हकूक और मजदूरों के तहफ़ुज़ात उनको तौसीह मिली। Next, हमारा क्वेश्चन है, explain the genesis of the Falkland War. How has it affected the British relationship with Latin America, American countries? जो Falkland जंग की genesis की वजाहत करें और इसमें बताने के लातिन अमेरिका के ममालिक के साथ ताल्लुकात के ऊपर क्या असर डाला। So, डिस्कस करते हैं Falkland जंग जो कि 1982 में बरतानिया और अर्जेंटाइन के दरमियान इंग्लैंड जजायर के मसाइल Falkland जजायर के मसाइल के ऊपर लड़ी गई थी और इसने लातिनी अमेरिका के ममालिक के साथ ताल्लुकात के ऊपर यानी कि ये काफ़ी असर अंदाज हुआ और इसके जो यानी तनाज़े की वजूहत और बरतानिया के इलाकाई सफारतकार के ऊपर इसके देर असरात को हम डिस्कस करते हैं। देन जेनेसिस ऑफ द फॉकलैंड वार, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द फॉकलैंड आइलैंड। हम फॉकलैंड जंग के जेनेसिस को डिस्कस करते हैं और इससे पहले हम उसके तारीखी पस मंजर को देख लेते हैं। तो फॉकलैंड जज़ायर जो थे वो जनूबी अटलांटिक में यानी वाक़ हैं यानी साउथ अटलांटिक के और एक बरतानवी समंदरी ये इलाका थे। तो लेकिन अर्जेंटाइन ने इनके ऊपर खुद मुख्तारी का दावा किया और मलकियत के जो तनाज़ात थे वो 19 सेंचुरी तक यानी कि मौजूद हैं जब बरतानिया और अर्जेंटाइन दोनों तारीखी कंट्रोल की बुनियाद के ऊपर दावे करते रहे। फिर अर्जेंटाइन इन्वेजन इन 1982 अप्रैल 1982 के अंदर अर्जेंटाइन की फौजी हुकूमत ने फॉकलैंड के ऊपर हमला किया और कौमी वकार को बहाल करने की उम्मीद में जिसके दौरान मुल्क में दाखिली बेचैनी हुई थी। सो ब्रिटेन रिस्पोंडेड विद अ मिलिट्री कैंपेन टू रिक्लेम द आइलैंड लीडिंग टू अ 10-week वॉर। बरतानिया ने जजायर को दोबारा हासिल करने के लिए फौजी मुहिम का आगाज किया था, फिर जिसके नतीजे में क्या हुआ कि 10 हफ्तों की जंग हुई थी। सो जंग का अगर हम नतीजे की बात करें तो इसमें जो यानी बरतानिया ने कामयाबी से जजायर को दोबारा हासिल किया और इसके अलावा जजायर ने 1982 में हथियार डाल दिए थे, अर्जेंटाइन ने जून 1982 में हथियार डाल दिए थे जजायर को यानी कि जजायर के हवाले से इसको हासिल करने के हवाले से। फिर इस ये जो विक्ट्री थी इस फतह ने बरतानवी कंट्रोल को मजीद यानी मुस्तहकम कर दिया, लेकिन इस तनाज़े ने अर्जेंटाइन और बरतानिया के तलुकात को कई सालों तक कशीदा रखा। फिर इस बताने के यानी कि लातिनी अमेरिका के साथ तलुकात के ऊपर जो असरात उनको उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अर्जेंटाइन के साथ तलुकात में कशीदगी हुई, इस कशीदगी ने जंग ने बरतानिया और अर्जेंटाइन के दरमियान कई दहाइयों तक तनाव पैदा किया क्योंकि जो अर्जेंटाइन था वो फॉकलैंड के ऊपर अपने दावे को बरकरार रखता रहा। तो सफारती तलुकात 1990 की दहाई में इनकी बहाली हुई थी, लेकिन खुद मुख्तारी का मसला एक हसास मौजू रहा। इम्पैक्ट ऑन रिलेशन विद अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, बहुत से लातिनी अमरीकी ममालिक ने अर्जेंटाइन के फॉकलैंड पर दावे की हमायत की जिससे बरतानवी मफादात के खिलाफ अलाकाई इतिहाद पैदा हुआ। सो इसके नतीजे में बरतानिया और कई लातिनी अमरीकी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में साथ मेरी पैदा हुई थी और कुछ तजारती और सफारती रवाबित की वजह से भी बेहतरी आई है। इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट पोस्ट वार, तो रीसेंट ईयर्स में बरतानिया ने लातिनी अमेरिका के साथ इक्तसादी तालुकात को मजबूत किया है, तिजारत इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी और तावन के ऊपर तवज्जो दी गई है। फॉकलैंड का तनाज़ा कभी कभार जो है वो दोबारा उभरता है जो बरतानिया के इलाकाई इतिहाद में मुकम्मल शमूलियत को मुतासर करता है। तो फॉकलैंड जंग ने बरतानिया के लातिनी अमरीका के साथ तालुकात के ऊपर एक मुस्तकिल असर छोड़ा, खासतौर पर अर्जेंटाइन के साथ। हालांकि बरतानिया ने इलाकाई तलुकात और तजारत को बेहतर बनाने की कोशिश की है। सो फॉकलैंड्स रिमेन द पॉइंट ऑफ द कंटेंशन एंड क्वेश्चन इज स्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन नॉट हैंडलिंग ओवरऑल एंगेजमेंट विद लैटिन अमेरिका, यानी फॉकलैंड का मसला एक मुतनाज़ा नुकता नजर रहा है जो तलुकात में कभी कभार तनाव पैदा करता है, लेकिन ओवरऑल लातिनी अमरीका के साथ शमूलियत में रुकावट नहीं बनता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि डिस्कस विंस्टन चर्चिल इज अ स्टेटमेंट वॉरियर एंड अ मैन ऑफ द लेटर्स। विंस्टन चर्चिल को रियासत दान, जंगजू और अदबी शख्सियत के तौर के ऊपर बहस करें। सो विंस्टन चर्चिल 1874 टू 1965। सो बरतानिया के सबसे ज़्यादा मुतासर कुन रहनुमाओं में से एक थे जिनने एक रियासत दान, एक यानी एक फौजी हिकमत अमली के माहिर और एक मुसनफ़, एक प्रोफाइल राइटर के तौर पर उनको जाना जाता है। उनकी ज़िंदगी
और कामयाबियाँ बरतानवी तारीख और आलमी अमूल के ऊपर उनके गैर मामूली असरात को जाहिर करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो एज अ स्टेटमेंट के तौर पर अगर हम उनका यानी कि किरदार डिस्कस करें, दूसरी जंग अजीम के दौरान उनकी क्यादत कैसे थी, तो चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया की क्यादत की थी 1940 to 1945। तो इस मुल्क को इसकी तारीख तरीन जो यानी कि घंटे थे उसके अंदर इसने मुतासर किया था और अपनी तकरीर और अपने अजम से कौम को मुतासर किया था। तो इसके अलावा इसके जो फतह के लिए उनकी वाबस्तगी और अमेरिका और सोवियत यूनियन के साथ इतिहाद नाजी जर्मनी को शिकस्त देने में उनका अहम था। पॉलिटिकल करियर उनका कैसा था और कौन सी उन्होंने रिफॉर्म्स की, तो चर्चिल ने अपने तवील करियर में मुख्तलिफ हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली थी, जिन्हें मुख्तलि जिम्मेदारियाँ संभाली, जिनमें दफाई वजीर के तौर पर, वजीर दाखिला के तौर पर उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। वो अक्सर कंजर्वेटिव थे, मुफाद कदमत पसंद रहे थे, लेकिन उन्होंने 1900 की दहाई में कुछ असलाहत की हमायत की थी, जैसा कि फलाही प्रोग्राम यानी कि उन्होंने इनकी सपोर्ट की और मजदूरों के हकूक और इसके अलावा जो उनकी हुकूमत अमली में एक लचकदार नुक्ते नज़र को जाहिर करता है। सो जमहूरियत के मुहाफिज के तौर पर उनका क्या विरसा है, चर्चिल को यानी कि चर्चिल जो थे उनको टोटलिज्म के खिलाफ अपनी मजबूत हैसियत के लिए याद रखा जाता है, जिसने जमहूरियत और आज़ादी को फ़रोग दिया। तो उनके बाद अस जंग आयरन कर्टन की तकरीर सोवियत खतरे की निशानदेही करती है, जो सादे जंग के आगाज की अलामत बनी। और उसके बाद हम उनका किरदार देखते हैं बतौर जंगजू। वो इब्तदाई फौजी करियर उनका हम डिस्कस करें, तो चर्चिल ने बरतानवी फौज में एक अफसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और उन्होंने हिंदुस्तान, सूडान और इसके अलावा बॉर्डर जंग में शिरकत की और उनकी बहादुरी जंग में पहले हाथ का तजिए जो है तजर्बा जो है वो फौजी हिकमत अमली और क्यादत की उनकी समझ को मुतासर करता है। सो पहली और दूसरी जंग अजीम में उनका किरदार क्या था, जो पहली जंग अजीम के दौरान चर्चिल ने एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, जहाँ उन्होंने बेही ताकत के लिए जोर दिया और लेकिन इसके अलावा जो गलेपोली थी, गलेपोली मुहिम की नाकामी के ऊपर उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। और दूसरी जंग अजीम के दौरान उन्होंने इतिहादी रहनुमाओं के साथ फौजी हिकमत अमली को मजबूत किया और जर्मनी के खिलाफ बरतानिया की मजहमत को बरकरार रखा, जो एक कामयाब जंगी रहनुमा साबित करता है उनको। देन चर्चिल एज अ मैन ऑफ द लेटर्स, फिर उनको यानी अदबी शख्सियत के तौर पर अगर हम उनका किरदार देखें बतौर मुसन्निफ, बतौर मौरख, तो चर्चिल ने तारीख, सियासत और जंग के ऊपर बड़ी सतह के ऊपर लिखा, जिसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा किताबें शामिल हैं और उनकी कुछ जिल्दों के ऊपर मुश्तमिल याददाश्त भी हैं, जिस तरह से दी सेकेंड वर्ल्ड वार ये भी इसके याददाश्त के अंदर शामिल है और उनकी तहरीरें जो थी वो उनकी गहराई, उनकी बसीरत और बयान की खूबी के लिए उनका एहतराम किया जाता है, जो उन्हें एक इल्मी शख्सियत के तौर पर भी यानी मुमताज़ बनाता है। इसके अलावा उन्होंने नोबल इनाम हासिल किए 1953 के अंदर। चर्चिल को अपने तारीखी और इसके अलावा जो उनके बायोग्राफिकल काम थे उनके लिए नोबल इनाम दिया गया और ख़ासतौर पर अपने याददाश्त और तारीखी अकाउंट्स के लिए। तो उनकी अदबी कामयाबियाँ जो हैं वो अहम तारीखी वाक़ात को पेश करने में भी और कारीन को मुतासर करने की उनकी सलाहियत को भी जाहिर करती हैं। तो विंस्टन चर्चिल बतौर जो विरसा है यानी रियासतदान, वारियर, जंगजू और अदबी शख्सियत वो बेमिसाल है। तो उनकी जंगी क्यादत, उनकी अदबी शराकतें और जमहूरियत के लिए उनकी जो लगन है वो बरतानवी तारीख और आलमी सियासत के ऊपर एक देर पर निशान छोड़ती है। सो लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइट कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड किचनर और स्विस कैनल क्राइसिस आर यूटिलिटेरियन, यानी किसी एक के ऊपर हमने लिखना है कि लॉर्ड किचनर के ऊपर या स्विस नहर का बोरान या फारिस पसंदी। तो लॉर्ड किचन का को हम डिस्कस करते हैं हमारे पहले पॉइंट को कि फील्ड मार्शल होरेशियो हर्बर्ट कैंचर, जिन्हें लॉर्ड कैंचर के नाम से भी जाना जाता है, ये 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के आगाज़ में एक नुमाया बरतानवी फौजी रहनुमा और एक रियासतदान थे। ही इज़ बेस्ट नाउन फॉर हिज कैंपेन्स इन सूडान, साउथ अफ्रीका एंड हिज रोल इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो उनके जो यानी कि सूडान, जनूबी अफ्रीका और के अंदर मेहमात हैं, कंपेन्स हैं और पहली जंग अजीम में अपने किरदार के हवाले से वो मशहूर हैं। कैंचर के हम फौजी मेहमात को अगर हम डिस्कस करें तो सूडान की उनकी कंपेन है 1896 to 1998। तो कैंचर ने एंग्लो इजिप्शियन अफवाज की उन्होंने क्यादत की थी और ख़ासतौर पर मशहूर मार्का यानी आमदरमान में, जिसने उन्हें उसे बरतानिया और मिस्र के लिए दोबारा उनको यानी हासिल किया था। और उसके बाद साउथ अफ्रीका वार है
जनूबी अफ्रीका की जंग 1899 to 1902, तो इसमें जो बोयर जंग थी उसके दौरान कैंचर ने बोयर मुजाहमत को दबाने के लिए एक मुतनाज़ हिकमत अमली अपनाई, जैसा कि मुर्तकिस कैंप का इस्तेमाल किया, जो बाद में यानी कि तनकीद का भी शिकार बनी। और उसके बाद उनकी पहली जंग अजीम में उनका किरदार क्या है कि कैंचर को 1914 में जंग के दौरान वजीर मुकर्रर किया गया, जहां उन्हें तवील जंग की तवक्कुफ की और भर्ती की कोशिश की भी क्यादत की थी। तो उनका जो मशहूर है कि आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है, इसका एक पोस्टर था जो हज़ारों बरतानवी मर्दों को भर्ती करने की तरकीब देने में कामयाब हुआ था, तो जिसने उन्हें हुब्बुल वतनी की अलामत के तौर पर भी उनको मुस्तहकम किया था। इसके अलावा उनके विरसे की बात करें तो कैंचर को बरतानवी फौजी ताकत और इस्तकामत की अलामत के तौर पर भी याद किया जाता है। उनकी जो हिकमत अमलियाँ थी, उनकी टैक्टिक्स, उनके ऊपर तनकीद की जाती है, लेकिन पहली जंग के इब्तदाई मराइल में बताने की फौजी कोशिशों में उनका किरदार बहुत अहम था। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं स्विस नहर का, जो कि स्विस नहर का बहरान था 1956। इसका बैकग्राउंड क्या है कि जो मिस्र में वाकई है स्विस कैनाल, और एक अहम एक ये आबी रास्ता है, एक क्रिटिकल वाटर वे है, जो कि बहर रूम को दरिया सुर्ख से जोड़ता है, रेड सी से जोड़ता है, और यूरोप और एशिया के दरमियान तेज तजारत को मुमकिन भी बनाता है। तो ये नहर इब्तदाई तौर पर बरतानवी और फ्रांसीसी कंट्रोल में थी, और ये तजारत और तेल की तरसील के लिए भी इकतसादी रहनुमा के तौर पर काम करती थी। इसके अलावा हम नेशनलिज्म ऑफ स्विस कैनाल की बात करते हैं, इसकी कौमी मलकियत की स्विस नहर की। तो 1956 में जो मिस्री सदर थे जमाल अब्दुल नासिर, उन्होंने इस नहर की कौमी मलकियत का ऐलान किया और मिस्र के लिए स्ट्रेटजिक असासे पर कंट्रोल का हक का दावा भी किया। तो इस अमल ने बरतानिया, फ्रांस और इसराइल को गुस्से में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि वो इस नहर पर तजारत और ऑयल की तरसील के लिए इनसार करते थे और नासिर के इकदाम को अपने मफादात के लिए वो खतरा समझते थे। देन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने इस नहर पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए मुश्तरक फौजी मदाखलतें की, और जो इंटरनेशनल प्रेशर था खासतौर पर अमेरिका और सोवियत इतिहाद की तरफ से, उन्हें पीछे हटने पर उसने मजबूर कर दिया, जो बरतानिया और फ्रांस के लिए एक बड़ा सफारती नाकामी का निशान था। देन इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, यह बरान बरतानिया के मिस्र के वस्ता में असर और रसूख को कमी की अलामत बनी और उसकी आलमी नौबादियाती ताकत की किरदार के खात्मे की भी निशान दे की। ठीक है, सो इट ऑल्सो सेटिंग द रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन इन मिडल ईस्टर्न अफेयर्स शिफ्टिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ये जो वाकया, ये भी अमेरिका और सोवियत इतिहाद के मिडल ईस्ट के अमूर में बढ़ते हुए किरदार को मुस्तहकम करता है, स्टेबल करता है, जो सादे जंग के दौरान आलमी ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली की अलामत है। ठीक है, सो ये 7 क्वेश्चन थे पास्ट पेपर 2022 के ब्रिटिश हिस्ट्री के। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।